नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूर। अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने पूरे देश में हथियारों, उससे जुड़े सामान और सुरक्षात्मक उपकरणों के विज्ञापन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आपको बता दें, ये पाबंदी अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के 20 जनवरी को शपथ लेने के 2 दिन बाद तक जारी रहेगी। दरअसल FBI ने शपथ ग्रहण पर फिर से हिंसा की आशंका जताई है। 6 जनवरी को US कैपिटल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की तरफ से किए गए हमले के बाद सोशल मीडिया कंपनी ने कहा कि वो अब अमेरिका में बंदूकों, हथियारों और उससे जुड़े सामानों के विज्ञापन पर रोक लगा रही है। फेसबुक की तरफ से एक ब्लॉग पोस्ट में कहा गया है, हम पहले से ही हथियार, गोला बारूद और हथियार जैसे साइलेंसर के लिए विज्ञापनों पर रोक लगाते रहे, लेकिन अब हम हथियारों के सहायक उपकरण के विज्ञापन पर भी प्रतिबंध लगा देंगे। दरअसल 3 अमेरिकी सीनेटर ने शुक्रवार को फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को एक पत्र भेजा था, जिसमें उन्हें उन उत्पादों के विज्ञापनों को स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के लिए कहा गया था जो स्पष्ट रूप से सशस्त्र युद्ध में उपयोग किए जाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। सभी डेमोक्रेट सीनेटर्स ने कहा कि कंपनी को देश हित में अपने प्लेटफॉर्म के होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए ये कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा फेसबुक ने शुक्रवार को वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस और US कैपिटल जैसी जगहों के साथ साथ स्टेट कैपिटल की इमारतों के करीब किसी भी नए फेसबुक इवेंट के क्रिएशन को भी 20 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। आपको बता दें, FBI ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के शपथ ग्रहण के दौरान और उसके बाद राजधानी वॉशिंगटन और सभी 50 राज्यों की राजधानियों में सशस्त्र विरोध की चेतावनी जारी की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।